हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू डेज सो आज है अपना डे थर्टीन और दो दिन बचते हैं अपने जावा कोर्स कंप्लीट को करने के लिए सो so, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं और जो बंदे नए हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि ये डे दे फिफ्टीन डेज के अंदर हमने जावा को कंप्लीट किया था तो आज अपना डे थर्टीन है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये डे फिफ्टीन का जावा कोर्स इसके बाद हम बनाने वाले हैं जावा के प्रोजेक्ट्स जो कि इस बेस पर ही रहने वाले जो हमने यहाँ पर अभी तक सीखा है तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा एडवांस लेवल भी हो चुके हैं अभी तक तो एडवांस भी है और हम लास्ट में आ चुके हैं थ्रेडिंग कर चुके हैं जियो आई बचता है तो आज जियो आई कल करेंगे मतलब डे फोरटीन पर करेंगे डे थर्टीन पर हम करते हैं नेटवर्किंग को तो ये स्विच हो गए यहाँ पर तो आज नेटवर्किंग का करते हैं ठीक है नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा के अंदर इसमें सॉकेट्स नेटवर्किंग बेसिस कैसे काम करते हैं एस एस रिक्वेस्ट कैसे करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन कैसे होता है तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड भी प्रोजेक्ट आ, प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ ये थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक है इसमें क्या होता है कि क्लाइंट एंड सर्वर कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे हम एक बंदे को मैसेज करते हैं तो दूसरे बंदे के पास चल जाएगा और सर्वर के पास कैसे उसको रिस्पोंड आएगा सर्वर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जब हम कुछ को अपनी साइड से मैसेज कर देंगे कुछ टेक्स्ट सेंड करेंगे सर्वर को तो आज ये करते हैं नेटवर्किंग का फिर कल हम करने वाले हैं जी प्रोग्रामिंग स्विच स्विंग के बेस पर इसमें हम uh, जे पैनल्स जे बटन जे एवरीथिंग ये सब चीज़ हम बनाने वाले इवेंट्स का हैंडल करते हैं स्विंग के थ्रू तो उसमें हम प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं और डे फिफ्टीन पर हम लास्ट जो हमारा रहने वाला है जे कनेक्टिविटी रहने वाली है उसके बाद फिर हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो ये अपना काफ़ी दिन से स्टार्ट रखिए जावा का फिफ्टीन डेज़ का तो में फिफ़्टीन डेज हो चुके बीच में कुछ गैप्स आ चुके थे तो उसकी वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई थी तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपको यूट्यूब पर नहीं एक्सेस करना है आप सारे की सारी वीडियोज़ एक जगह पर ही देख सकते हो तो सो उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना ही कोई चीज़ को स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक वेबसाइट है मतलब अपडेटगड जो वेबसाइट है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसमें सारे के सारे वीडियोज़ डे फिफ्टीन तक आपको एक ही जगह मिल जानी है बट अच्छा रहेगा अगर आप इसको डेस्कटॉप से एक्सेस करो मोबाइल से करोगे तो भी ठीक है बट एक्सेस करोगे डेस्कटॉप से तो ज़्यादा अच्छा आपको इंटरफेस लगेगा उसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें रोड मैप है और ये अपना फिफ्टीन डेज़ का पूरा रोड मैप है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो देन डे वन पर क्या किया हुआ है हमने डे टू पर क्या है और ये पूरे इसके नोट्स पे आपको इसके नीचे ही मिल जाएंगे नोट्स जो होंगे नोट्स भी आपको उसके वीडियोस के नीचे मिल जाएंगे पूरे वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जानी है डे थ्री पर क्या था और डे ट्वेल्व पर जैसे हमने लास्ट किया था ये मल्टी थ्रेडिंग था ठीक है मल्टी थ्रेडिंग का पूरे नोट्स और पूरी वीडियोस आपको यहीं पर मिल जाएगी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये सभी चीज़ आप एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा डोंट वेरी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और इसमें हम प्रोजेक्ट्स वीडियोज़ बनाते हैं कोडिंग वीडियोज़ बनाते हैं और जावा के पीएचपी के एंड जावा जावा स्क्रिप्ट स्प्रिंग बूट रिएक्ट और ए आई बेसिस ये सभी चीज़ हम इस पर अपलोड करते हैं तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो तो ये वेबसाइट है अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो कोडिंग क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इसको भी एक्सेस कर सकते हो अपडेट अपडेटगढ़ डॉट कॉम पर जाना आपने ठीक है और आप कैटेगरीज में जाके कैटेगरीज़ में आपको मिल जाएगा कॉलेज प्रोजेक्ट्स और भी प्रोजेक्ट्स हाँ अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए कॉलेज के लिए कंपनीज के लिए तो आप यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते पॉली प्रोजेक्ट लिस्ट है यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन के लिए और नोट्स के लिए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो फ्री नोट्स तो आपको नोट्स मिल जाने हैं जावा के अभी जावा के अपलोड हुए हैं तो कुछ टाइम पे और चीज़ों के भी हो जाएंगे तो अभी जावा के तो आप जावा के एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से तो जो भी आपको चाहिए तो अभी हम अपने डे ट्वेल्व पर आते हैं डे ट्वेल्व पर हमने करना था क्या हाँ डे ट्वेल्व पर हमारा नेटवर्किंग है डे थर्टीन नोट ट्वेल्व डी थर्टीन नेटवर्किंग सो अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ सीख चुके हैं उपस कॉन्सेप्ट और फिर अपना और भी उप्स भी और अपना इनहेरिटेंस पोलिमोरफिज और उसके बाद फिर हमने फाइल्स को किया फाइल्स हैंडलिंग किया फिर उसके बाद हमने किया था तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं तो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है कोर्स तो जिसने ये वो नहीं देखा ना तो अब स्टार्टिंग से देखना इसको आप काफ़ी सारी चीज़ समझ में भी आ जाएगी जो समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करना उसको भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का तो अभी हम बात करते हैं सॉकेट एट नेटवर्किंग बेसिस तो जैसे आ, आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ ठीक है रियल लाइफ बेस से पूरा एक बंदा ये है ठीक है और आ, 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 ये सर्वर है हमारा ठीक है इसको हम सर्वर बोल देते हैं एक ए है एंड एक बी है अब इन दोनों को आपस में चैट करनी है बट ये अलग लोकेशन पर है ये अलग लोकेशन पर है तो ये चैट कैसे करेंगे क्योंकि ये आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग लोकेशन पर है इसकी लोकेशन कोई एम है इसकी लोकेशन कोई एन है न्यू दिल्ली और ये कहीं पर हो रहा है तो इनको बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको आपस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा वो कनेक्शन कैसे बनेगा कनेक्शन भी वो होना चाहिए कि एक ही एक ही लाइन पर ताकि जब एक ही सर्वर पर हो वो एक ही पोर्ट पर हो तो ये क्या करेगा ये सर्वर के पास जाएगा सर्वर को एक इसको पोर्ट मिल जाएगा या पोर्ट मिलने के बाद ये बंदा भी उसी पोर्ट पर कनेक्ट होगा तो तब ये जब दोनों एक ही चीज़ पर कनेक्ट हो जाएंगे तो एक तरह से ये आमने सामने आ जाएंगे और फिर ये आपस में चैट कर सकते हैं बट जो चैट हो रही है वो आपस में तो हो रही है बट वो सर्वर के थ्रू हो रही है मतलब ऐसे चल रहा है कि यहाँ से कोई भी मैसेज करता है वो पहले सर्वर पर जाएगा फिर सर्वर उसको वहाँ पर सेंड करेगा फिर वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगा उधर से तो वो सर्वर के पास जाएगा फिर सर्वर उसको रिस्पोंड करेगा तो चैट इन दोनों की होनी है बट सर्वर के थ्रू हो रही है क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर है तो यही काम हमारा यहाँ पर होने वाला है सर्वर का एसोकट इज़ एन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क मतलब सॉकेट क्या एक एंड पॉइंट है टू वे कम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम ये, ये चल रहा है एक प्रोग्राम ये चल रहा है ठीक है और इनको कनेक्ट किया हुआ एक थर्ड से ठीक है बट ये आपस में फिर इंटरकनेक्टेड हो गए इसके थ्रू अगर ये कनेक्टेड यहाँ से नहीं होंगे तो ये अलग हो जाएगा फिर ये अलग हो जाएगा तो रनिंग ऑन ए नेटवर्क नेटवर्क पर रनिंग हो रहे हो द सॉकिट मैकेज प्रोवाइडेड ए मीन्स इंटर कॉम्य इंटर प्रोसेसिंग कॉम्युनिकेशन इस्टेब्लिश द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन टेक प्लेस मतलब ये ही है कि इसमें आई पी सी के थ्रू कॉम्युनिकेशन बनता है ठीक है एंड सॉकिट में दो चीज़ होती है क्लाइंट एंड सर्वर क्लाइंट मेन है या सर्वर भी मेन है क्लाइंट वो होगा जो हमारा सर्वर को कनेक्ट करेगा सर्वर से कनेक्ट करके कुछ भी उसको कॉम्युनिकेशन करना है तो ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को जो क्लाइंट होगा हमारा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कुछ भी कम्युनिकेशन या कुछ भी चीज़ें बात करने के लिए सर्वर के साथ देन सर्वर उसको रिस्पोंड करेगा जो भी इसके पास इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट आ रही है उनको वो हैंडल करेगा और उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट उनकी जो भी क्वारीज है या जो भी उनके रिक्वेस्ट उन्होंने दी है उनको वो रिसीव करके उस पर एक्शन लेगा तो जैसे ये एक हमारा नॉर्मल सा कोड है ठीक है ये हमारा किस चीज़ का है इस्टेब्लिश न्यू कनेक्शन कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जावा नेट पैकेज की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है ये एक सिंपल सा कनेक्शन बनाने के लिए कोड है ठीक है एंड देन इसके बाद है अपना जब हमारा सर्वर का कनेक्शन बन जाएगा देन हम ये वाला कोड चला सकते हैं अगर हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद बेसिक सर्वर सॉकेट ये सब बेसिक सर्वर सॉकेट का कोड है ये सभी कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं और इसको मैं आपको कैसे अभी कोड पर दिखाता हूँ जस्ट इसको कंप्लीट करता हूँ अपने पी पी को सेंडर प्रोग्राम रिसीवर प्रोग्राम ये वही है कि क्लाइंट है एक सर्वर है ये इधर से कुछ इसको सेंड करेगा और इधर से उसको रिस्पॉन्ड करेगा और फिर उसको रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग आगे सेंड करेगा उसको जो भी इसको चाहिए होगा तो ऐसे इनका कम्युनिकेशन चलता है सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू इसी बेस पर हमारे प्रोग्राम्स भी बनते हैं जो कि चैट ऐप्स होते हैं तो चैट ऐप्स का प्रोग्राम किया हुआ है वो हम करने वाले हैं वो भी देखते हैं तो फिर पहले हम ये प्रो कोड्स है कोड्स पे आपको मिल जाने तो भी हम अपने क्लिप्स रखते हैं क्लिप्स पर कोड करते हैं लाइक ये दो कोड है अभी आप देख रहे होंगे एक सर्वर साइड है एंड एक क्लाइंट साइड है ठीक है वन इज़ क्लाइंट साइड वन इज़ सर्वर साइड अब इसमें आप देखो दो पैकेज यूज़ किए होंगे ये रहा एक पैकेज एंड ये एक पैकेज है इन पैकेज का काम क्या है ये हमारे कनेक्शन के लिए काम आते सॉकेट अगर हमें कनेक्शन बनाना है देन इसके बाद हमने क्लास बनाई हुई ये पूरी क्लास है इसके अंदर हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया हुआ है ये ट्राई कैच है ये भी मेन क्लास के अंदर है क्योंकि हमने सबसे पहले इसको चलाना है फिर उसके बाद चलाने के बाद इसके बाद चलाने के बाद फिर हम अपने क्लाइंट को चलाएंगे तो सबसे पहले हम सर्वर क्लास बनाएंगे एंड देन फिर क्लाइंट क्लास बनाएंगे तो सबसे पहले हमने बनाए सर्वर क्लास सर्वर क्लास के अंदर हमने सॉकेट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पोर्ट नंबर जो भी हमें पोर्ट यूज़ करना है एंड देन स्टेब्लिश कनेक्शन के लिए वो एक्सेप्ट करेगा जो भी इनपुट आएगी उधर से क्लाइंट साइड से वो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा और फिर हमने यहाँ पर जो सिंपल किया हुआ है जो भी इनपुट आ रही है ना उसके पास उसको बस हमने यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और इधर तो आपने क्लाइंट साइड है तो बस हमने क्या करना है ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना है एक आउटपुट के लिए जो हम सर्वर को सेंड करेंगे उसके लिए हमने क्या बनाना है कि स्ट्रीम क्लास बनानी है और यहाँ पर हेलो मैसेज किया हुआ है तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये हेलो मैसेज जाएगा इसके पास एंड वो वहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देगा सर्वर रिसीव्ड हेलो मैसेज फ्रॉम यूजर तो ऐसा आउटपुट आने वाला है तो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ आपको तो अभी रन होना चाहिए अच्छा मैंने पहले सर्वर नहीं चलाया आई थिंक हाँ अभी मैंने सर्वर ही चलाया है तो ये हमारा सर्वर चल गया ऑलरेडी यूज ओके सर्वर ऑलरेडी चल रहा है तो अभी मैं क्लाइंट वाला प्रोग्राम चलाता हूँ ओके okay, सर्वर रिसीव्ड ये वाला सर्वर रिसीव्ड कौन सा मैसेज आ रहा है एस टी आर जो कि इधर से आ रहा है मतलब इसने क्या बताया कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ये तो सर्वर साइड है बट उसको जो एस टी आर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है क्लाइंट साइड से क्लाइंट साइड से, से यहाँ पर आएगा और उसने अपने इस मैसेज के साथ यहाँ पर प्रिंट कर दिया तो ये क्लाइंट ने मैसेज किया किसको सर्वर को सर्वर में हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट लगाया हुआ है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर प्रिंट मिल रहा है सिस्टम डॉट आउट पर कंसोल पर तो ये अपना सर्वर साइड था और एक इसका रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके कैसे चलता है वो तो उसको भी देख लेते हैं ये रहा कोड वो इसमें आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे और कैसे आप सर्वर बनाओगे कैसे आप ये रियल लाइफ में काम आता है तो एक प्रोजेक्ट है सर्वर बेस्ड तो इसमें देखो आप ये हमारा सर्वर हो गया आ, स्टार्टिंग सर्वर जब जी करेंगे तो जी के बेस पे ये प्रोग्राम बनाया हुआ है ये कंसोल बेस्ड नहीं है जी ओ बेस्ड है सर्वर रनिंग वेटिंग फॉर द यूज़र मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है एक यूजर हमने बना लिया वहाँ पर हमारा एक यूजर था एक ही क्लाइंट था यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स हम करने वाले हैं और मल्टीपल क्लाइंट के साथ क्या होने वाला है कि वो आपस में चैट करेंगे और सभी को मैसेज जाएगा और यहाँ पर वो फाइल भी शेयर कर सकते हैं तो एक चैट शेयरिंग ऐप भी बोल सकते हैं अब इसको वो भी आ, उसके थ्रू सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें हमने कोई बैकएंड भी यूज़ नहीं किया हुआ सब कुछ सॉकेट प्रोग्रामिंग से चल रही है एक बंदा मैं एक और ऐड कर देता हूँ अपडेट कर को ठीक है एक और यूज़र हो गया दो यूज़र हो गए ठीक है और एक यूज़र और मैं कर देता हूँ उसका नाम हो गया अपना इट तो हमने तीन यूजर को ऐड किया तो ये हमारे क्लाइंट्स थे तीन यूजर और ये हमारा सर्वर था तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर सर्वर पर कनेक्ट हो गए मतलब ऐसे हो गए अभी कि ये हमारा सर्वर है ये हमारा सर्वर है तो ये तीन बंदे इससे अब कनेक्ट हो गए हैं ठीक है थीके? अब जो भी ये मैसेज करेगा अभी तो हमने तीनों पब्लिकली किया हुआ है तो ये तीनों के पास मैसेज जाएगा बट अब इसको ओवर एडवांस बनाना चाहे तो इंडिविजुअल भी जा सकता है कि हम जिस बंदे को मैसेज करना चाह रहे उसी को जाए बट अभी क्या होगा अभी तो सभी के पास इसने कोई मैसेज किया इधर से ए रिशभ ने तो ये अपडेटगढ़ के पास भी जाएगा एंड डिको के पास भी जाएगा और इधर से कोई मैसेज करता है तो ये इसके पास भी जाएगा इसके पास भी जाएगा थ्रू सर्वर तो अब मैं इसको भी चला के दिखाता हूँ आपको तो इसको भी थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं इसको भी मीनिवाइज कर देते हैं तो भी डिकोडिट को इधर कर देते हैं और ये हो गया अपना ठीक है एक ही आ गया एंड देन ही आ गया ओके okay, यहाँ पर मैं करता हूँ हाई डिकोड इट तो ये दोनों के पास मैसेज चला गया देखो हम इसको पब्लिकली कर सकते हैं कि एक ही बंदे के पास अभी तो पब्लिकली प्राइवेट कर सकते हैं कि एक ही बंदे के पास मैसेज जाए जिसको हम जाना चाह जा रहे हैं अब इधर से लिखते हैं अपडेट गर्ड तो ये सब सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है और यही इसका रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है कि हम सर्वर कैसे बनाते हैं अब देखो इसने यहाँ पे मैसेज लिखा अपडेट गट से ये इसके पास भी चला गया एंड इसके पास भी चला गया अब मैं रिसेप से कराता हूँ मैसेज तो ये भी सबके पास जाएगा तो अभी ये पब्लिकली जा रहा है बट हम इसको क्या कर सकते हैं प्राइवेट कर सकते हैं प्राइवेटली कि हर एक बंदे के पास ना जाइए जिसके पास हम चाह रहे हैं उसी के पास जाए यहाँ पर हम फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं अगर हमें कोई फाइल सेंड करनी है लाइक तो ये एक प्रोजेक्ट है मतलब ये आपके उसमें नहीं आना है ये जावा कोर्स के अंदर नहीं था एक प्रोजेक्ट है सॉकेट बेस्ड तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट इसको और कुछ नहीं तो मैं अगर इसको यहाँ पर इधर से शेयर करता हूँ तो इस तीनों के पास चला जाएगा मैंने शेयर किया तो एक पब्लिकली तीनों के पास चला गया सर्वर से कनेक्टेड है इसलिए सभी के पास जा रहा है सो so, आज अपना डे थर्टीन था और हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग कर लिया आज तो डे फोर्टीन पर जियो करेंगे आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होगी और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो